हेलो 11th क्लास, इन आर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ पीस एंड रिगार्डिंग द वेरियस अप्रोचेज ऑफ पीस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल मोरालिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी. ऑल दीज आर द डिवाइसेस ऑफ मेंटेनिंग पीस, कि पीस को मेंटेन करने में ये डिवाइसेस कैसे जो हैं आपके हेल्पफुल हैं. देन जो है इंटरनेशनल मोरालिटी, मोरालिटी आर द दोज वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं और रूल्स हैं विच रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द स्टेट, जो एक स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. इंटरनेशनल मोरालिटी इज़ ऑब्जर्व बाय द स्टेट इन देयर रिलेशन विद द अदर स्टेट. इंटरनेशनल मोरालिटी कैसे ऑब्जर्व होती है, कि आपके दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशन है. इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल वैल्यूज़ है, पीस है, पीस है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इक्वालिटी है. तो ये सारे हैं मॉरेलिटी के अंदर आ सकते हैं. देन है कलेक्टिव सिक्योरिटी. अब कलेक्टिव सिक्योरिटी, अब कलेक्टिव का मतलब है इकट्ठा, सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा. तो इकट्ठी सुरक्षा कैसे हो सकती है? इट इज़ द टेक्निक यूज बाय इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्ट्रेन द यूज़ ऑफ फोर्स अमंग द मेंबर्स, की मेंबर कंट्रीज में फोर्स के यूज़ को क्या किया जाए, कम किया जा सके. कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. देन अब नया जो है डिसआर्मामेंट, आपने सुना होगा जनरल, उसका डिसआर्मामेंट को हिंदी में बोलते हैं निशस्त्रीकरण करना, एलिमिनेशन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देना. तो अब थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे. इन सिंपल लैंग्वेज द टर्म डिसआर्मामेंट इज़ यूज फॉर द रिडक्शन और द एलिमिनेशन ऑफ आर्मामेंट. क्या आर्मामेंट जो है हथियारों की होड़ को ख़त्म कर देना जो है क्या है आपका डिसआर्मामेंट है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट हैज़ कम टू मीन एवरीथिंग फ्रॉम टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल द वेपन. अब इसमें क्या कि वेपन्स को टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए, टोटली ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है जी. टू द रेगुलेशन, टू द रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ सम काइंड ऑफ वेपन्स, की कुछ तरह के जो वेपन्स हैं उसको जो है पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए ख़त्म, जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उसको जो है ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाए, कह सकते हो डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट इंक्लूड्स लिमिटेशन करना, कम कर देना, रिडक्शन करना, लिमिटेशन मतलब एक सीमा तय कर देना, ठीक है जी, रिडक्शन करना, कम करना, जो है एबोलिशन और कंट्रोल ऑन सर्टन और ऑल आर्मामेंट्स थ्रू द वॉलंट्री एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर देन टू स्टेट्स, कि अब जो है एबॉलिश कर देना, ख़त्म कर देना आर्म्स को, या तो लोग अपने आप, कंट्रीज अपने आप आके प्रेफर करें, या फिर उन पर किसी तरह का जो है दबाव डाल के जो है इस तरह की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डिवाइसेस ऑफ मेंटेनिंग पीस, की पीस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, जिसके अंदर पहले हमने डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पावर. तो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है शक्ति के संतुलन को बना के रखना. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है. बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि दो कंट्रीज़ जो हैं बैलेंस करें. अब दोबारा से बता दूं मैं एक बार आपको, बैलेंस ऑफ पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ मेंटेनिंग पीस. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज़ दैट नो स्टेट और अ ग्रुप ऑफ अ स्टेट शुड बिकम सो पावरफुल दैट कि दैट मे बिकम अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस, कि कोई भी ग्रुप इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि वर्ल्ड पीस के लिए क्या हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए. देन है कलेक्टिव सिक्योरिटी. कलेक्टिव सिक्योरिटी कैसे हेल्प करती है, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे. कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है आपकी? कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, इंडीड इट इज़ द इंडिस्पेंसिबल, कह सकते हो रोड टू पीस. सबसे ज़्यादा जिसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते, वो जो है पीस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मशीनरी फॉर जॉइंट एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और काउंटर एनी अटैक अगेंस्ट द एनी एस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, कि किसी तरह से इकट्ठे मिल के जो है अगर किस एस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पर अगर अटैक हो रहा है तो उसको जो है काउंटर सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कराना. दस डिसआर्मामेंट है. डिसआर्मामेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को ख़त्म करना है. ठीक, तो ये है इसमें अंदर डिसआर्मामेंट जो है. आर्म्स द मोस्ट कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशन पावर, की एक कंट्री की नेशन की पावर का इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा होते हैं. ठीक है, इवन द स्मॉल एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर कलेक्टिंग. छोटे कंट्रीज़ भी इसीलिए जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को कलेक्ट करते हैं कि ताकि उनकी सिक्योरिटी को खतरा ना आए. बट मोर आर्म मीन्स मोर डेंजर. जितने ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन होंगे उतना ही ज़्यादा डेंजर जो है बढ़ता जाएगा. बेस्ट मेथड फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस इज डिसआर्मामेंट.
और द आर्म कंट्रोल जो है एग्रीमेंट है कि ऐसे एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कराया जाए जिससे जो आर्म्स की रेस को कंट्रोल किया जा सके. फॉर दिस पर्पस द यूनाइटेड नेशन एंड एस्टेब्लिश द डिसआर्मामेंट कमीशन टू अचीव दिस. तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने डिसआर्मामेंट कमीशन को सेटअप किया है ताकि जो है आर्म्स एंड एमिनेशन की रेस को ख़त्म किया जा सके. देन जो है इंटरनेशनल लॉज, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिविलाइज स्टेट्स एंड इंटरनेशनल लॉज हैज़ लेड डाउन द कोड एंड द बिहेवियर विच द स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद द अदर स्टेट. की कैसे जो है उनको दूसरी स्टेट के साथ डीलिंग रखनी है, कैसे रिलेशंस को मेंटेन करना है. इंटरनेशनल लॉज डज प्रोवाइड ऑल्सो द ओनली मीन्स बाय विच द स्टेट कैन रजिस्टर एंड सिक्योर द गेन विच दे मेक टूवर्ड्स अ बेटर इंटरनेशनल ऑर्डर. देन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो कैसे वर्क करती हैं, तो थोड़ा सा वो कर लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड नेशन. एंड एट प्रेजेंट देर आर 192 मेंबर्स इन द, कह सकते हो यूनाइटेड नेशन है. और यूनाइटेड नेशन में कोरिया है, इसराइल है, इंडोनेशिया है. वॉर को स्टॉप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इसके साथ ही जो था, इसके साथ आप कह सकते हो कि पीस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल मॉरेलिटी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस. देन है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन कि लोगों का पब्लिक ओपिनियन क्या कहता है. डेमोक्रेसी है तो पब्लिक ओपिनियन इज मस्ट, ठीक है जी. इन डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन. लोगों की आवाज़ को आप साइड लाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है जी. और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल. नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक ओपिनियन को आप साइड लाइन नहीं कर सकते हो. अगर पब्लिक ओपिनियन के साथ जाओगे तो पीस मेंटेन रहेगा, अदरवाइज जो है लोग अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए क्या एजिटेशंस करेंगे, और जब एजिटेशंस होंगी तो पीस के लिए खतरा उत्पन्न होगा ही होगा. लास्ट जो है डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी का मतलब है कि लड़ाई झगड़े से पहले जो है आप जो कुछ ऐसे तरीके अपनाइए जिससे बिना लड़ाई के हर चीज़ का सलूशन हो जाए. तो वो है एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट वॉर, इन केस ऑफ वॉर टू कंटेन इट, टू एंड वॉर, टू कंक्लूड ट्रीटीज़ एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस. ठीक है जी, एक ऐसा तरीका है जिससे आप वॉर को रोक सकते हो, ठीक है जी, उसको एंड भी करा सकते हो, ट्रीटीज़ के थ्रू जो है सोल्यूशन निकाल सकते हो और पीस को मेंटेन कर सकते हो. द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन यूज डिप्लोमेसी एज अ वेपन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का सहारा लेती है पीस को मेंटेन करने में, ताकि दुनिया में जो है शांति को बनाए रखा जा सके, ठीक है, और किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम जो है मेंटेन ना हो. और यूनाइटेड नेशन ने जो है रिमार्केबल रोल प्ले किया है इसके अंदर वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में. देन जो है प्रिवेंशन ऑफ वॉर के अंदर कोरिया मैंने जैसे डिस्कस किया, इसराइल है, इंडोनेशिया, इवन इंडिया में कश्मीर इशू के टाइम पे जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है कह सकते पीस को मेंटेन कराने में डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया. इट सॉल्व द एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी डिस्प्यूट को भी सॉल्व किया है. रिमूव फॉरेन ट्रुप्स फ्रॉम द सीरिया से, लेबनान से, बर्मा से, ईरान से ट्रुप्स को हटा दिया उसने. एंड हेल्प, और किस चीज़ में हेल्प की, हेल्प इन द डेडलॉक, टू ब्रेक द डेडलॉक ऑफ द बर्लिन ब्लॉकर्स. नेक्स्ट है प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टू स्टॉप द गल्फ वॉर. गल्फ वॉर को स्टॉप करने में भी जो है यूनाइटेड नेशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है, एक मिनट, हाँ जी, वाई डिसआर्मामेंट नेसेसरी. डिसआर्मामेंट का मतलब है कि आर्म्स एंड एमिनिशंस को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है. आप कहोगे कि पीस को मेंटेन करने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, यू आर राइट. तो फर्स्ट जो है डिसआर्मामेंट का मीनिंग आपको पता है कि डिसआर्मामेंट का मतलब है कि आर्म्स एंड एमिनिशंस की जो है रेस को ख़त्म कर देना है, या आर्म्स आर द मोस्ट जो है डिसआर्मामेंट का मतलब है एक तरह से एलिमिनेशन कर देना है. इंपॉर्टेंट है बट उसको कंट्रोल में रखना है ताकि वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा सके. फर्स्ट जो है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए है. वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इज़ पॉसिबल ओनली बाय द डिसआर्मामेंट. कैसे पॉसिबल है, डिसआर्मामेंट के थ्रू. आर्मामेंट जो है लेड टू क्या, किस चीज़ के लिए आर्मामेंट रेस हो जाती है, एंड आर्मामेंट रेस लेड टू वॉर.
अब हथियार होंगे, हथियार के साथ क्या होगा, आपके साथ वॉर शुरू हो जाएगी। आर्म रेस कैन इटसेल्फ कॉज, अब जो आर्म्स की रेस होगी उससे खून भी बहेगा और कॉस्टली भी रहेगी, क्योंकि लोग जो कंट्रीज आर्म एंड एम्यूनिशंस को ख़रीदेंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, और जो डिस्ट्रक्शन होगी उस वो जो है आपकी कंट्री की डिस्ट्रक्शन ही है। देन डिसआर्ममेंट रिड्यूसेस द इंटरनेशनल टेंशन, कि अगर आपके पास आर्म एंड एम्यूनिशंस ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं रहेगी, किसी को डर नहीं है कि कोई हमारे पे अटैक करेगा। रिड्यूसेस द इंटरनेशनल टेंशन, वेयर एज आर्म रेस इंक्रीजेज द टेंशन, ठीक है, एंड टेंशन इनक्रेज वॉर, और टेंशन होती है तो वॉर तो अपने आप ही होती है। नेक्स्ट, रिड्यूस द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ वॉर, कि वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होती है तो अगर आर्म्स नहीं होंगे तो डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। हेल्पफुल है इकनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री की इकनॉमी, जो पैसा हम आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को जो ख़रीदने पर लगाते हैं, अगर हमें डर नहीं होगा, पीस होगी, तो वो पैसा हम अपने लोगों की भलाई के लिए यूज़ करेंगे। डिसआर्ममेंट इज़ नीडेड बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाई डिसआर्ममेंट स्टेट कैन सेव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड एंड दैट मनी कैन बी यूज फॉर द वेलफेयर एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है जी, ये तो है। देन रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है UN का हमने बताया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे लीग ऑफ नेशन थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 14 से 18 तक हुई थी, तब लीग ऑफ नेशन को जो था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए जो था बनाया गया था, बट जो है वो फेल हो गई, टूट गया वर्ल्ड जो था आपका लीग ऑफ नेशन। देन सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो इसलिए लीग ऑफ नेशन जो था ख़त्म हो गया, देन टूट गया एक तरह से। देन सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1939 से 45 तक, देन फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, देन पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ एट द 24 अक्टूबर 1945 जो था 45 को। उस टाइम जब हुए थे तो फाउंडिंग मेम्बर जो थे 51 थे, एट प्रेजेंट जो है 192 मेंबर्स हैं। तो सेम है, इसने कहाँ कहाँ वर्क किया है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन कोरिया है, इज़राइल डिस्प्यूट है, अभी रिसेंट जो है आप कह सकते हो फिलिस्तीन एंड इज़राइल के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन करने में जो है यूनाइटेड नेशन ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इवन गल्फ़ वॉर को प्रोटेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये जो है बेटा आपका पीस जो है पूरा चैप्टर के अंदर एक ही वर्ड जो है बार बार आ रहा है कि पीस जो है इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी ने भी अपनी थ्योरी में क्या कहा है, अहिंसा, अहिंसा मतलब कि जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा पीस रहेगी, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, ये अहिंसा परम धर्म होना चाहिए। तो अहिंसा, अगर आप हिंसा करते हो तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, और अगर हिंसा नहीं है इट मीन्स कि सोसाइटी में पीस है, और पीस को मेंटेन करके ही जो है आप जो है एक डेवलप कंट्री बन सकते हो। अगर हम कहीं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की रेस में शामिल हो गए तो कंट्री की डेवलपमेंट को सबसे बड़ा खतरा जो है हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।